मैं सबसे पहले छत्रपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित यहां पर किया है जो हमारी सफाई मुहिम को और आगे लेकर जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शहर के अंदर आप जितनी भी समस्याएं देखते होंगे उनकी जड़ों में अगर आप देखेंगे तो ये जो गंदगी है उसको पाएंगे। अगर सीवर लाइन्स ब्लॉक पड़ी हुई हैं तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर हम कचरा डाल रहे हैं, उसमें हम गोबर डालते हैं, उसमें हम प्लास्टिक फेंक देते हैं। इवन सो मच सो अगर हम अपने घर के फर्श की घिसाई करते हैं तो घिसा हुआ मटेरियल भी उसके अंदर डाल देते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो पानी के नाले हैं बारिशों में जो चलने चाहिए उसके अंदर आप जाकर देखिए, आपको आसपास जहाँ भी नज़र आए उसमें दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके अंदर हमने फेंकी नहीं हो। हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, नतीजा ये होता है कि बारिशों के अंदर पानी उसमें से जा नहीं सकता है और वो रोड्स के ऊपर भरता है, मार्केट्स में भरता है, घरों के सामने भरता है। नतीजा ये होता है कि सारे रोड टूटे पड़े हैं। नतीजा ये होता है कि उससे डेंगू फैलता है क्योंकि मच्छर पानी भरेंगे तो मच्छर भी पैदा होंगे और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, एयर पोल्यूशन भी उससे होता है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया और ये निर्णय लिया कि नवंबर के महीने से हम आपके हर घर तक पहुंचेंगे और आपका वेस्ट वहां से उठाएंगे। तो नवंबर के महीने से ये जो तैयारियां पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने से हम कर रहे हैं वो इसी चीज़ के प्रति जागरूकता फैलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और अपना जो स्टाफ है, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग और वार्ड कमेटीज़ भी जो इसमें शामिल की गई हैं जो उस एरिया के पार्षद होते हैं उनकी अध्यक्षता में काम करेगी, तो इन सब को तैयार करने का काम हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि नवंबर के पहले वीक से जब हम इस मुहिम को पूरे रिसोर्स के साथ में जिसमें सफिशेंट व्हीकल्स होंगे, जिसमें मैन पावर होगी उसके साथ करेंगे तो आप सब लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शहर के 5.5 लाख यूनिट्स हैं कुल घर, जिसमें हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स हैं। 5.5 लाख घरों तक पहुँचने के लिए हमें जितने व्हीकल्स की ज़रूरत थी उतने व्हीकल्स को हम पूरा कर रहे हैं ताकि हर रोज़ आप तक पहुँच सकें। लेकिन आपको वार्ड कमेटी के तौर पर भी और एक जागरूक नागरिक के नाते ये सुनिश्चित करना होगा कि अलग अलग किया हुआ कूड़ा इन व्हीकल्स को आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से उपलब्ध करवाना शुरू कर दें ताकि आपके आसपास की जो गंदगी है वो खत्म हो सके और उस गंदगी की वजह से जो और समस्याएं हो रही हैं वो भी खत्म हो सके। मैं एक बात यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूँगा कि मार्केट के सामने खड़े हैं आप सब लोग जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हर रोज़ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी स्वीपिंग करनी पड़ती है, लेकिन आप सुबह आते हैं चाहे वो रेडी वाला है, कोई पड़ी वाला है, दुकानदार है, अपने यहाँ पे झाड़ू मारते हैं, उस गंदगी को उठा के फिर से रोड के ऊपर डाल देते हैं। को वायदा किया था, 2 साल पूरे हुए हैं, 2 साल कोरोना के ऊपर भेंट चढ़ गए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे कमिश्नर महोदय यशपाल जी का भी वही थिंकिंग प्रोसेस है और जल्दी ही हम इस फरीदाबाद में जितनी गंदगी है पहले घर घर से कूड़ा उठाने में जो दिक्कतें थी उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स की कमी थी, 200 व्हीकल्स इसमें ऐड कर रहे हैं और गीला सूखा कचरा अलग अलग उठाकर अगर सारा कचरा हम उठाकर भेज देंगे डंपिंग यार्ड्स में तो सड़कों पे बहुत कम कूड़ा देखने को मिलेगा। और बाकी सफाई कर्मचारियों से भी हमने आज रिक्वेस्ट की है कि हर जगह वो पूरा अपना काम करेंगे तो सड़कों पे कचरा दिखाई नहीं देगा। इको ग्रीन भी है उसमें भी सूखा कूड़ा अलग अलग होता है पर उन चीज़ों को कोई बताता ही नहीं है, वो भी खुद एक जगह डाल देते हैं, तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए एक्चुअली इको ग्रीन की मजबूरी है कि जब लोग कूड़ा देते हैं तो एक तरह का कूड़ा देते हैं मिक्स करके, तो इको ग्रीन उसको अलग नहीं कर सकता। अब हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा वो अलग अलग करके देंगे और वो इको ग्रीन के लोग भी अपने दो एक अगर गाड़ी लेके आते हैं तो दो जगह उनको अलग अलग डलवाएंगे। आखिरी सवाल, प्रदूषण के मामले में नंबर 2 पर फरीदाबाद रहा है तो प्रदूषण के लिए क्या सोचा है आगे? देखिए ये आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर कचरा सड़क पर रहेगा मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी तो प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो जैसे हम इसको मड़ को स्वीपिंग करा के सड़कों से हटा देंगे तो प्रदूषण निश्चित रूप से कम हो जाएगा।